Traffic in Bengaluru is gradually becoming a daily nightmare. You never know कहां पर कब आपको कितना traffic मिल जाए. For example, आज हम एक 5 किलोमीटर का stretch cover करने के लिए तकरीबन 1.5 घंटा लग गया. And that's irritating. पर अगर आप बेंगलुरु में हैं तो वहां से 5 से 6 घंटे की दूरी पर कुछ ऐसे destinations हैं जहां पर आप अपने weekends peacefully बिता सकते हैं. चिकमगलूर is one such location जो कि बेंगलुरु से 260 किलोमीटर है. But why am I telling you all this? Well, the reason is the all new Volkswagen Tiguan that has brought us here safely and comfortably. Just got up, something's wrong. I waited up with wounds on my feet. Where will you be? Flickering through memories, the Polaroids yellowed in the sun, longing to be seen. Volkswagen Tiguan दो ग्रेड्स में अवेलेबल है, कंफर्ट लाइन और हाई लाइन. जहां कंफर्ट लाइन की कीमत 27,68,000 है, वहीं हाई लाइन की कीमत तकरीबन 31 लाख है. प्राइसिंग के मामले में ये आपको थोड़ी एक्सपेंसिव लग सकती है क्योंकि ये सिर्फ एक 5 सीटर है और सेम प्राइस रेंज में आपके पास 7 सीटर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. पर Volkswagen के हिसाब से ये एक एंट्री लेवल लग्जरी SUV है और क्योंकि ये Volkswagen है तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलेंगे. क्या है वो खूबियां, क्या है वो सभी फीचर्स, लेट्स फाइंड आउट. Tiguan Volkswagen के MQB प्लेटफॉर्म पे बनी है. ये वही प्लेटफॉर्म है जो Volkswagen ग्रुप अपने बहुत से ग्लोबल प्रोडक्ट्स के लिए यूज करता है अक्रॉस Skoda, Volkswagen एंड Audi. अगर इसके डिजाइन की बात करें तो ये एक नो नॉनसेंस डिजाइन है. इट्स सिंपल यट क्लासी. और इसके जो डिजाइन में सबसे खास बात है वो ये है कि काफी स्लीक लगता है और काफी प्रीमियम लगता है. और इसकी वजह है ये बहुत जगह दिया हुआ क्रोम ट्रीटमेंट. अगर आप फ्रंट ग्रिल की बात करेंगे तो ये काफी स्लीक है और ये जो दो क्रोम स्लैट्स हैं ये इसे काफी अच्छा लुक दे रहे हैं. अगर बम्पर की बात करें तो यहाँ पर भी एयर डैम्पर आपको क्रोम स्ट्रिप मिलती है. उसके अलावा जितनी भी लाइट्स आपको फ्रंट में मिल रही है वो सारी LED हैं. LED हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, LED फॉग लैम्प्स मिलते हैं और LED डे टाइम रनिंग लाइट्स भी आपके लिए अवेलेबल है. Now let's move on to the side profile. अगर साइड की ओर चले तो यहाँ से भी Tiguan काफी अट्रैक्टिव लगती है और उसकी वजह है यहाँ दी हुई प्रोमिनेंट लाइन्स और क्रीजेस. अगर आप शोल्डर लाइन को देखें तो ये काफी प्रोमिनेंट है और टेल लैम्प सेक्शन तक जाती है. व्हील आर्चेस भी अच्छे खासे बड़े हैं और इनमें आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, ऑल्दो कंफर्ट लाइन वेरिएंट में 17 इंच व्हील्स ऑफर किए गए हैं. क्योंकि अलॉय व्हील्स का कलर सिल्वर या क्रोम में दिया गया है तो ये काफी बेसिक लगते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि इनकी डिजाइन काफी अच्छी है. पर मजे की बात यह है कि हाईलाइन ट्रिम में आपको सेल्फ सीलिंग टायर्स मिलते हैं. इन्हें सेल्फ सीलिंग टायर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें एक प्रकार का जेल है, तो इन केस ऑफ पंचर अगर आपकी गाड़ी में पंचर हो जाता है तो वो जेल उसे अपने आप भर देता है, तो आपको साइड में कहीं पे रुकने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा साइड प्रोफाइल के लोअर पोर्शन में आपको ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग मिलती है और ऊपर रूफ रेल्स मिलते हैं. अगर रियर सेक्शन की बात करें तो ये भी काफी सिंपल या क्लासी लगता है. हाईलाइन ट्रिम में आपको LED टेल लैंप मिलते हैं और बम्पर के जस्ट ऊपर एक स्लीक क्रोम स्ट्रिप दी गई है जो इसे काफी क्लासी लुक देती है. सो ओवरऑल द Volkswagen Tiguan लुक्स लाइक अ टिपिकल यूरोपियन क्रॉसओवर रादर देन अ बिग बल्की SUV. नाउ वी आर इनसाइड द कैबिन ऑफ द Volkswagen Tiguan और हर Volkswagen की तरह इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काबिले तारीफ है. गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है, अच्छा प्लास्टिक मटेरियल यूज किया हुआ और मैक्सिमम जगह सॉफ्ट टचेस हैं. गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी काफी स्पोर्टी लगता है, फ्लैट बॉटम है, अच्छा मटेरियल यूज किया है, अच्छा लेदर यूज किया हुआ है जिससे ये प्रीमियम टच इसमें आते हैं. बहुत सारे बटन यहाँ पे दिए हुए हैं जिससे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम अपना ऑपरेट कर सकते हैं और अपना टेलीफोन के कुछ फंक्शंस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं. उसके अलावा आप इसे अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और ये रीच वाइज भी एडजस्ट हो सकती है, मतलब रेक वाइज और रीच वाइज दोनों तरीके से एडजस्ट की जा सकती है. और बहुत से स्मार्ट स्टोरेज स्पेसेस आपको Volkswagen Tiguan में मिलेंगे. कौन से हैं वो स्पेसेस, लेट मी टेल यू. तो इन
शॉट आपके पास जितना भी सामान है वो सब इस गाड़ी में फिट हो जाएगा। तो ये सिर्फ लगती है कॉम्पैक्ट बाहर से, पर ये बहुत स्पेशियस है और बहुत ही प्रैक्टिकल कार है। एंड अलोंग विद दैट आपको मिलता है 615 लीटर का बूट स्पेस, ये काफी स्पेशियस है। और फिर भी अगर आपको स्पेस कम लगे तो आप सेकेंड रो ऑफ सीट्स को 60-40 रेशो में फोल्ड कर सकते हैं और आपके लगेज कैपेसिटी हो जाएगी 1655 लीटर्स। Now other interesting bits. Well, आपको ये sunroof मिलता है इस गाड़ी के साथ में और ये 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो Android Auto और Apple CarPlay के साथ साथ मिरर लिंक को भी सपोर्ट करता है। अगर सीट्स की बात करें तो सारी की सारी सीट्स काफी कंफर्टेबल है, वियना लेदर कंपनी ने यूज किया है और कुशनिंग भी बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये है कि आप कितना भी लॉन्ग ड्राइव करें आपको थकान नहीं होगी। हमने लगभग 600 किलोमीटर गाड़ी को चलाया है और जितने भी पैसेंजर्स इस गाड़ी में थे इंक्लूडिंग मी, किसी को भी थकान नहीं हुई है। एंड दैट्स अ बिग प्लस विद दिस कार। अगर फ्रंट सीट्स की बात करें ड्राइवर और को पैसेंजर तो दोनों के लिए यू हैव एकर्स ऑफ लेग स्पेस, थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा है और ड्राइवर सीट से व्यू भी काफी कमांडिंग है। You sit pretty high and you can see everything. अगर आपको फिर भी हाइट कम लग रही है तो आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल हाइट एडजस्टर से इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। अभी हम हैं Volkswagen Tiguan की सेकंड रो में और जैसे कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें वही वियना लेदर यूज़ किया हुआ है, वही मटेरियल यूज़ किया हुआ है जो फ्रंट सीट्स के लिए भी है। तो ये काफ़ी कम्फर्टेबल है और तीन लोग ईजिली यहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर आप नी रूम की बात करें तो नी रूम काफ़ी अच्छा है, लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है, थाई सपोर्ट भी काबिले तारीफ है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन। उसके अलावा आपको ये आर्म रेस्ट भी मिलता है जिसमें आप अपने कप्स भी रख सकते हैं। अगर मिडिल सीट की बात करें तो ये आपको देखने में एक बार को लग सकता है कि ये थोड़ी छोटी है, पर तीन लोग, तीन अडल्ट यहाँ पर ईजिली बैठ सकते हैं। गाड़ी की विड्थ बहुत अच्छी है, अगर टोयोटा फॉर्च्यूनर से अगर हम कंपेयर करें तो ये सिर्फ 40 से 50 mm कम है। इसका मतलब आपके लिए स्पेस बहुत है सेकंड रो में। एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो रियर पैसेंजर्स को मिलता है वो है ये पिकनिक ट्रे या टेबल। आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे अपना लैपटॉप या बुक रख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कप होल्डर भी दिया गया है जिसमें आप अपना कोल्ड ड्रिंक या कोई भी ड्रिंक यहाँ पे रख सकते हैं। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस मामले में Volkswagen हमेशा की तरह अब भी आपको निराश नहीं करेगी। अगर NCAP सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो Tiguan को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। इसका मतलब यह है कि आपको इस गाड़ी के साथ वो सभी फीचर्स मिलते हैं जो आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी हैं। इसके साथ आपको मिलेंगे 6 एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। और इस गाड़ी में Volkswagen ने एक बहुत ही यूनिक फीचर दिया है जिसे कंपनी ने नाम दिया है एक्टिव बोनट, जिसे पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए रखा गया है। तो मान लीजिए अगर फ्रंट क्रैश होता है तो बोनट की हाइट लगभग 3 इंच ऊपर हो जाती है विद इन 22 मिलीसेकंड्स, जिससे हेड इंजरीज का रिस्क कम हो जाता है। व्हाइल द कार्स इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स ऑल लुक गुड, अब जानते हैं परफॉर्म कैसे करती है। आफ्टर ऑल इट्स अ जर्मन क्रॉसओवर। आपको बता दें कि कंपनी ने इसे एक ही इंजन के साथ में लॉन्च किया है, वो है 2 लीटर डीजल इंजन, TDI इंजन है। उसके साथ आपको 7-speed DSG गियरबॉक्स मिलता है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको मैनुअल गियरबॉक्सेस पसंद हैं तो वो आपको इसके साथ में नहीं मिलेगा। ये जो 2 लीटर का इंजन है वो तकरीबन 143 BHP का मैक्सिमम पावर और 340 Nm का टॉर्क देता है। हाँ, ये नंबर्स में आपको हो सकता है टोयोटा फॉर्च्यूनर या एंडेवर के बराबर ना लगे, पर ये गाड़ी कहीं पर भी आपको अंडर पावर नहीं लगेगी। जो गाड़ी का हाईलाइन वेरिएंट है उसमें आपको Volkswagen का 4-motion ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन मिलता है जिसमें 4 ड्राइविंग मोड्स हैं और ये जो डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं ये डिफरेंट टेरेन कंडीशंस के हिसाब से बनाए गए हैं। अगर Tiguan के 2 लीटर इंजन की बात करें तो ये काफ़ी रिफाइंड है, पर आइडल पर आपको टिपिकल डीजल इंजन वाली थोड़ी बहुत आवाज़ अंदर आती है और टिल अबाउट 2000 RPM आपको थोड़ा लैग भी फील होगा, पर जैसे ही आप वो मार्क क्रॉस करेंगे तो इंजन सरप्राइजिंगली रिफाइंड भी हो जाता है और इसे क्रूज करना और आसान हो जाता है। पोस्ट 2000 RPM इट इज़ अ लॉट ऑफ फन। और जैसे कि हमने आपको बताया कि Tiguan के साथ आपको न्यू एज 7-speed DSG गियरबॉक्स मिलता है जो काफ़ी स्मूथ है। दिस इज़ प्रॉब्ली द फाइनेस्ट गियरबॉक्स इन इट्स कैटेगरी, पर जब आपको सडनली ओवरटेक करना हो तो डाउन शिफ्टिंग में थोड़ा सा लैग आपको फील होगा, अप शिफ्टिंग इज स्मूथ। पर अगर आप एक कीन ड्राइवर हैं और आपको एक्शंस क्विकली चाहिए तो आप इस गाड़ी में दिए हुए
पैडल शिफ्टर्स को यूज कर सकते हैं जो आपको मैन्युअली गियर्स चेंज करने का ऑप्शन देते हैं। अगर गाड़ी की स्टीयरिंग की बात करें तो ये भी फेयरली डायरेक्ट और शार्प है। यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन विद दिस वन। और क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है तो ये काफी स्टेबल रहती है ऑलमोस्ट हर स्पीड्स पर, और कॉर्नर्स पर भी इसका बॉडी रोल जो है वो नेग्लिजिबल है, एंड दैट मेक्स इट अ ग्रेट ड्राइवर्स कार डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज एन एसयूवी। नाउ द फाइनल क्वेश्चन, हु शुड बाय दिस कार? वेल, अगर आपको जर्मन इंजीनियरिंग पसंद है और यूरोपियन डिजाइंस आपको एक्साइट करती है और सेफ्टी, कंफर्ट और क्वालिटी आपकी प्रायोरिटीज हैं, देन द फॉक्सवैगन टिगुआन इज द कार यू शुड गो फॉर। हाँ, इसी प्राइस रेंज में आपके पास कुछ 7-सीटर ऑप्शंस हैं जैसे कि टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर, पर ये एक एंट्री लेवल लग्जरी एसयूवी है जो कॉम्पीट करती है बीएमडब्ल्यू एक्स वन, ऑडी Q3 जैसी गाड़ियों से। जहां BMW X1 और Audi Q3 जैसी गाड़ियों के एंट्री लेवल मॉडल्स आपको 35 लाख ऑन रोड में पड़ते हैं, इसका टॉप एंड वेरिएंट जो फीचर्स से भरपूर है वो 35 लाख ऑन रोड प्राइस में आपको मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और आपको अगर हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।